धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने सब किया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का क्या हाल है वो आपको इस वीडियो में देखकर समझ आ जाएगा। आरजेडी ने बाबा की पॉपुलैरिटी देखकर अपने सुर नरम कर लिए हैं, जबकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा को देशद्रोही तक कहा था। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देश तोड़ द्रोही है, वो देश से बाहर देश द्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है वो। 9 मई को बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बाबा के दौरे का विरोध शुरू हो गया था। तेज प्रताप यादव ने तो ये तक कह दिया था कि बाबा को पटना में घुसने तक नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे। इसके लिए बाकायदा तेज प्रताप यादव की प्राइवेट आर्मी की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन अब उनके बयानों से अब उन्हीं की पार्टी ने किनारा करना शुरू कर दिया है। आरजेडी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में बाबा का कोई विरोध नहीं है। स्वाभाविक है, देखिए संबंध है, ये मतलब थोड़ी होता है कि मतलब हम आपसे कोई लाठी चलाने जाएंगे। बात यहाँ ये हो रही है कि एक तरफ विरोध हो रही है और दूसरी तरफ न्योता भी मिल रहा है। देखिए विरोध मुझे ये ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति का विरोध, आप ये नहीं कह सकते कि सबने मिलकर विरोध किया। क्या मतलब है, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, हम ही कल कहीं और जाएंगे, वहाँ के लोग हमारा विरोध करेंगे, कुछ विरोध में रहते हैं कुछ पक्ष में रहते हैं। इस बीच बाबा की तरफ से भी सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कथा में आने का बाकायदा न्योता तक भेजा गया। बाबा ने तेजस्वी यादव के घर में कथा के संयोजक को भेजा। न्योते को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के दूत ने तेजस्वी के मैसेज को मीडिया के सामने रखा। तेजस्वी का भी तुरंत रिएक्शन आया, निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। बागेश्वर बाबा के दरबार में जाने के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री बजरंग बली के भक्त है और तेजस्वी भी अब बीजेपी को घेरने के लिए बजरंग बली की ही बात करते हैं, लेकिन ये भी सही है कि जनता बाबा के दरबार में पहुंच रही है। जितने लोग पंडाल के अंदर है उतने ही बाहर भी नजर आते हैं और बाबा भी लगातार नीतीश कुमार के इस इंतजाम की तारीफ कर रहे हैं। और कुछ भी ऐसा है नहीं, ना विरोध है ना कुछ, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अद्भुत, उनको भी साधु बात, खूब सुरक्षा है। जो बीच में अलर्ट जारी किया था कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला, सब हनुमान जी के ऊपर है, भगवान रक्षा करें सबकी मंगल में, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था बहुत गंभीर और हम बहुत प्रसन्न। हनुमंत चरित्र बोलने में हमें बहुत सुंदर कांड पर कथा कर रहे हैं तो बहुत आनंद भी आ रहा है। तो आप सब जो चिंता जगह जगह कर रहे हो, आप चिंता मत करो, बहुत प्रसन्न। यानी कुल मिलाकर मुद्दा 2024 के चुनाव का है, हिंदू वोटर्स का है, जातियों में बटे वोटर्स को सनातन की एक छतरी के नीचे पहुंचे लोगों को रिझाने का है। इसलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगले 2 दिनों में बाबा के दरबार में भी चले जाए, बजरंग बली के नाम पर हाजिरी लगा दे और मैसेज ये जाए कि महागठबंधन के नेता बाबा के विरोधी नहीं है, वो तो जनता की भलाई के लिए किसी भी दरबार में जा सकते हैं। तो दोस्तों आरजेडी के इस बदले हुए सुर पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।